जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के भौतिक विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ध्वनि और विद्युत धारा से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों भौतिक विज्ञान से रिलेटेड अब तक 5 वीडियो को बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों ध्वनि से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जल इस्पात नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में सजाना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम किस में होती है, तो अधिकतम होती है ठोस में, उसके बाद होती है दोस्तों द्रव्य में, और लास्ट में किस में होती है दोस्तों, तो गैस में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि का अधिकतम जो वेग होता है वो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो ध्वनि आरोही क्रम में हमको सजाना है, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहले गैस यानी नाइट्रोजन आ जाएगा, उसके बाद द्रव यानी जल आ जाएगा, और लास्ट में कौन आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर, तो ये आ जाएगा इस्पात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो 3-1-2। तो ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में ध्वनि की गति सर्वाधिक जबकि गैसों में न्यूनतम होती है दोस्तों। सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है कि सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि का जो वेग होता है दोस्तों 331 मीटर/सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, और यह VVI पॉइंट से दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है, जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जिस माध्यम में का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें ध्वनि की जो चाल होगी दोस्तों उतनी ही अधिक होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि का जो वेग होता है दोस्तों अधिकतम किस में होगा, तो ठोस में, और धातु क्या है, तो ठोस है। तो ध्वनि का जो वेग होगा दोस्तों अधिकतम किस में होगा, तो धातु में होगा। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो याद रखना है ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा, तो ठोस में, और इस्पात क्या है दोस्तों, एक ठोस है। तो ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि की अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से, और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है दोस्तों ध्वनि। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। स्पष्ट है कि ध्वनि का वेग इस्पात में अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, तो ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है किसमें दोस्तों, तो आपको याद रखना है ठोसों में होता है, उसके बाद किसमें, द्रव में, और किसमें होता है उसके बाद, गैसों में। निर्वात में ध्वनि जो है दोस्तों गमन नहीं करती है। फिर है दोस्तों, VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति हैं, तो सबसे कम किस में हो जाएगा दोस्तों, तो एयर में हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी सबसे कम एयर में, उसके बाद किस में हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा उसके एयर से सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किस में होता है, तो द्रव में होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सॉलिड में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी दोस्तों, तो वह लोहा में जो है दोस्तों ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है, जिस माध्यम का घनत्व प्रत्यास्थता अधिक होगा उसमें ध्वनि की गति अधिक होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जिस माध्यम का घनत्व तथा प्रत्यास्थता अधिक होता है उसमें ध्वनि की गति जो होती है दोस्तों अधिकतम होती है। 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंगे हैं, तो याद रखना है ध्वनि तरंगे क्या है दोस्तों, तो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं ध्वनि तरंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। तो ध्वनि तरंगे तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगों का वेग ठोस में अधिकतम होता है,
द्रवों में उससे कम तथा गैसों में न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस पर तो 331 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में कितना होता है दोस्तों? तो 1400 मीटर पर सेकेंड होता है। और लोहा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? तो 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो याद रखना है वायु में जो ध्वनि तरंग होती है दोस्तों वह किस प्रकृति की होती है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है दोस्तों, ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग कहलाते हैं, यानी मैकेनिकल वेव कहलाता है दोस्तों ध्वनि तरंग, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक अर्थात ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंगों की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है दोस्तों? तो मैंने बताया था कि निर्वात में जो है दोस्तों ध्वनि गमन नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो बी होगा। तो ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर पाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट है, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है कौन सी है? तो दोस्तों जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो है दोस्तों वह अपरिवर्तित रहती है। और यह VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी जो राशि है अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति जो होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी, वह अपरिवर्तित रहती है, जबकि उसका आयाम, चाल और तरंगदैर्ध्य तीनों बदलता है। और यह BPSC 66 BPSC में री एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, देख लीजिए। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, याद रखना है आपको। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति जो है दोस्तों उसकी नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या रहना चाहिए? तो हॉल की जो दीवारों को रहना चाहिए दोस्तों क्या रहना चाहिए? तो ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। हॉल की जो दीवार बनती है दोस्तों म्यूजिक कंसर्ट में, तो वो हॉल की दीवारें कैसी होनी चाहिए? तो ध्वनि का अवशोषण करने वाला रहना चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब देखते हैं कौन कौन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं इसमें। तो अधिकतर ठोस एवं कठोर सतहें ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं, जबकि कोमल या नरम सतह ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। यदि म्यूजिक कंसर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेंगी तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि इको सुनाई देंगी दोस्तों। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारें एवं छत नरम पदार्थ जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह है क्या दोस्तों? तो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.5 मीटर होना चाहिए कम से कम न्यूनतम दूरी। तो जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बना रहता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनि के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड के समय अंतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि किसी श्रोता से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकंड में श्रोता के पास वापस लौटे। वायु में ध्वनि का जो वेग होता है दोस्तों वो कितना होता है? 330 मीटर, कहीं कहीं पर 331 मीटर पर सेकेंड भी रहता है दोस्तों। 1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो दूरी बराबर आपको मालूम होता है होगा क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल हो गया 330 और समय हो गया 1/10, तो यानी 33 मीटर। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि के स्रोत की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16.5 मीटर, और लगभग इसको 17 मीटर भी हम लोग मानकर चलते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16.5 मीटर। नेक्स्ट, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 17 मीटर होगा दोस्तों, और कहीं कहीं पे 16.5 मीटर भी आपको देखे, तो इसको भी आपको टिक आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। नेक्स्ट, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है तो कितना है दोस्तों? तो 330 मीटर पर सेकेंड है, और कहीं कहीं पर 331 भी रहता है दोस्तों, तो ये भी सही है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी होगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते हैं दोस्तों? कि चंद्रमा पर जो है, चंद्रमा पर जो है दोस्तों वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो व्यक्ति जब चंद्रमा पर एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं सुन पाते हैं। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता है, फलतः चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि क्यों नहीं सुन सकता है दोस्तों? कि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है दोस्तों चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। कम लंबाई की बांसुरी से जो है दोस्तों निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जितना लंबाई बांसुरी का कम रहेगा उतना ही उच्च आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। तो पहला तो गलत हो गया। सेकेंड है दोस्तों, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य तरंग प्रत्यास्थ तरंग के रूप में प्रगामी होती है। तो यह बात भी बिल्कुल जो है दोस्तों गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। तो अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। चूंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी रेसिप्रोकल होता है दोस्तों, अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति के तरंगें उत्पन्न होगी। इस प्रकार कथन एक जो है सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रगामी यानी गमन करती हैं दोस्तों, जबकि ठोसों में यानी शैल इत्यादियों में यह अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ यानी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों तरंगों के रूप में प्रगामी होती है दोस्तों। किसमें? ठोसों में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, परास्रव तरंग के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यह कीड़ों को नष्ट कर सकती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, यह भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, यह भी सही है। यह स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकती है, यह भी बात सही है दोस्तों। यानी इसमें 1, 2, 3, 4 सब के सब सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? तो डी होगा। तो ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की होती है। श्रव तरंगे, जिनकी आवृत्ति जो होती है दोस्तों, याद रखना है आपको, जिनकी आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक के बीच होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है दोस्तों। और श्रव तरंगे की आवृत्ति जो होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होती है। परास्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है। ये परास्रव तरंगे दोस्तों, इनका उपयोग संकेत के रूप में, कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़े से धूल हटाने में, याद रखना है आपको दोस्तों, स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई की नाप लेने में, छिपी वस्तुओं की खोज करने में, याद रखना है, द्रव को गर्म करने में तथा विविध चिकित्सीय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों परास्रव तरंग से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, परास्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो जिनकी आवृत्ति जो है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वैसी ध्वनियों को परास्रव तरंगे कहा जाता, परास्रव ध्वनियाँ कहा जाता है दोस्तों। तो परास्रव, जिसे अल्ट्रासोनिक शब्द उस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का परास कितना है दोस्तों? तो हम लोग के सुनने की शक्ति का परास कितना है? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है दोस्तों। इसलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को परास्रव ध्वनि कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक जैव पद्धति जिसमें परास्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो सोनोग्राफी में जो है दोस्तों, याद रखना है, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग, यानी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग इसमें किया जाता है सोनोग्राफी में। तो सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह परास्रव ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जिनमें से गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की प्राप्ति प्रमुख है दोस्तों। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है दोस्तों कि वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती है। तो ये क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा दोस्तों। तो चमगादड़ उड़ते समय परास्रव ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक
साउंड तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। फलतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावटों की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेता है। दोस्तों नेक्स्ट है, हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों कि ध्वनि की जो गति है गैस में द्रव तथा ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो सेकंड तो गलत हो गया। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। परास्वर ध्वनि की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो यह भी बात सही है। यानी दो गलत है, तो दो गलत कौन कौन सा ऑप्शन छट गया दोस्तों, तो देख लीजिए दो जिसमें रहेगा वो ऑप्शन छट गया, यानी एक छट गया और बी भी छट गया और डी भी छट गया, तो एक ही आंसर है दोस्तों इसमें। अगर एक भी आपको ये मालूम है कि ध्वनि की जो गति अधिकतम ठोस में होती है, उसके बाद गैस द्रव में और उसके बाद गैस में, तो ये आसानी से आप इस ऑप्शन को टिक आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हृदय अस्राव आवृत्ति पर कंपन करता है, जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का, जिसको हम लोग आला बोलते हैं दोस्तों, का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। मैक संख्या सामान्यतः किसी पिंड की गति को वर्णित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है, जब वह पिंड ध्वनि की गति या उससे अधिक गति से विचरण कर रहा हो। परास्राव ध्वनि की आवृत्ति जो होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस प्रकार कथन 1, 3, 4 जो है दोस्तों सही है, जबकि 2 गलत है। नेक्स्ट है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। तो याद रखना है क्या होता है दोस्तों, तो इससे जो होता है ओजोन लेयर में बाधा आती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धार प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, वे जेट विमान कहलाते हैं। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इस कारण यहाँ जेट विमान सरलता एवं तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो याद रखना है कौन सा ऑक्साइड रहता है दोस्तों, जो समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं दोस्तों। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। कारण इसका बताया गया है कि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, देखते हैं। तो ए गलत है परंतु आर सही है, यानी यहाँ पर जो कथन सही है दोस्तों लेकिन जो कारण दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। तो समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी, यह बात बिल्कुल सही है। कारण इसका जो दिया गया दोस्तों, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, यह बात बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं क्या है इसका रीजन। तो पराध्वनिक पिंडों यानी सुपरसोनिक बॉडीज की चाल को मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। किसी पराध्वनिक यान की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल तथा वातावरण के तापकरण पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। चूंकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, याद रखना है कि ध्वनि की जो चाल है दोस्तों तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि का वेग जो होगा दोस्तों कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहां कम होने के कारण यान का वेग भी कम होगा दोस्तों। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ध्वनि की गति जो होता है जो दोस्तों वह तापमान के समानुपाती होता है, यानी तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है दोस्तों, तो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, तो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा दोस्तों। अतः कथन गलत है जबकि कारण सही है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे आंसर क्या था, अच्छा सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो ये है दोस्तों ये गलत है और ये सही, यानी ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल से अधिक होगी, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, जबकि एक सही है। थोड़ा सॉरी आपको। तो
कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, जबकि कारण सही है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों ऑप्शन पढ़ने में हमको। नेक्स्ट, डेसिपल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिपल जो है दोस्तों वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डेसिपल को। तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को डेसिपल में मापते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों डेसिबल में मापी जाती है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो याद रखना है दोस्तों कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है ध्वनि के स्रोत और तीव्रता, यानी जब फुसफुसाहट किसी के कान में हम कुछ फुसफुसाहट मतलब बोलते हैं दोस्तों, तो वह कितना डेसिबल का होता है? तो 15 से 20 डेसिबल। साधारण बातचीत कितना का होता है दोस्तों डेसिबल का? तो 30 से 60। और गुस्से में जब बातचीत करते हैं हम लोग तो कितना डेसिबल का होता है तीव्रता उसका होता है? तो 60 से 80। ट्रक मोटरसाइकिल कितना डेसिबल तीव्रता होता है दोस्तों, यानी उसकी तीव्रता कितनी होती है? तो 90 से 95। यंत्र जो कारखाने होते हैं उनकी तीव्रता कितनी होती है? तो 100 से 110। ऑर्केस्ट्रा 110 से 120। और जेट विमान जो है दोस्तों 140 से 150 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का रब यानी नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होता है? तो किसके लिए संगत होता है? तो यंत्र कारखाने के शोर से प्रबलता जो स्तर है दोस्तों संगत होता है इसका, 100 डेसिबल का। यहाँ दिया भी गया, देख लीजिए यहाँ पर 100 डेसिबल किसका है? तो यंत्र कारखाने का है। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि 100 डेसिबल का रौ का प्रबलता स्तर संगत होता है कल कारखाने के शोर से। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है तो कितना है दोस्तों? तो एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है दोस्तों? तो 45 डेसिबल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तय किया गया? तो 45 डेसिबल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है दोस्तों? तो 45 डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है तो सह सीमा कितनी होती है दोस्तों? तो 85 डेसिबल जो होती है वह मनुष्यों की शोर की सह सीमा होती है दोस्तों। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का स्तर कितना होता है? तो 30 से 60 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है। 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है दोस्तों। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो याद रखना है दोस्तों, 120 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है दोस्तों वह हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। 120 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है दोस्तों, यानी जिसकी प्रबलता 120 डेसिबल से अधिक होती है जिस ध्वनि की दोस्तों, वह हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है? तो याद रखना है, मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है दोस्तों वह कितना है? तो 60 डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे दो बार आवाज़ सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या दिया है दोस्तों कि ध्वनि का जो वेग है इस्पात में वायु की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए उस लड़के को दो बार सुनाई देता है दोस्तों। तो ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है जिस कारण रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी फिर बाद में वायु से होकर, इसलिए उसे दो बार आवाज सुनाई देगी दोस्तों। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती थी, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो ध्वनि का वेग है तापमान के समानुपाती होता है, यानी तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। तो कथन एक सही है जबकि कथन दो गलत है दोस्तों। फिर तीसरा कथन है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह भी गलत है कि ध्वनि की जो गति है कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है, एल्युमिनियम में ज्यादा हो जाएगा दोस्तों कांच की अपेक्षा, तो 3 भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 सही है। तो कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होता है ध्वनि की गति उसमें उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की गति कम होती है। ठोसों एवं धातुओं की प्रत्यास्थता गैसों से अधिक होने के कारण गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि की गति अधिक होती है। इस प्रकार जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाएंगे तो गति कम होगी दोस्तों। किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है दोस्तों। एल्युमिनियम में ध्वनि की गति याद रखना है 6420 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि कांच में जो ध्वनि की गति होती है दोस्तों वह कितना होता है तो 5640 मीटर पर सेकेंड होता है। और ये सब के सब आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, तो किसके कारण किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है क्वालिटी में दोनों का अंतर से, इन दोनों के बीच में जो है दोस्तों हम लोग अंतर कर सकते हैं सितार और क्या दिया गया है बांसुरी में। तो ध्वनि की गुणता, ध्वनि में उपस्थित सन्नादि तथा अधिस्वरों की संख्या, उनका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करता है। सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि की गुणता यानी क्वालिटी के कारण पहचाना जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। अनुरण विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। दीवारों छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है, तो इसका क्या दिया गया आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर दिया गया है ए, यानी कथन 1 सही है और इसका कारण भी सही है, और कारण जो है इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है दोस्तों, यानी अनुरण विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। कारण इसका दिया गया कि दीवारों छत धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है दोस्तों। अब देखते हैं रीजन क्या है इसका। तो जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों तथा छत से क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर भी हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अनुरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्ति वाला होता है। पहला है, दूसरा है, स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की जो आवृत्ति होती है दोस्तों वह 512 हर्ट्ज होती है। अब बताना है कि कौन सा कथन सही है, और IAS प्री में पूछा गया तो BPSC में भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो दे रहा है दोस्तों वो क्या है, ना तो एक, ना तो ये सही है और ना ही ये सही है। अब देखते हैं रीजन क्या है इसका। तो सांगीतिक स्वरग्राम आवृत्तियों की एक श्रृंखला है जिन्हें एक के बाद एक बजाए जाने पर कानों को सुखद अनुभूति होती है। इसमें निम्नतम आवृत्ति की मुख्य स्वर निम्नतम आवृत्ति को मुख्य स्वर यानी की नोट्स कहते हैं। इसके बाद उच्च आवृत्ति मुख्य स्वर से एक निश्चित अनुपात में होती है। उच्चतम आवृत्ति को अष्टक कहते हैं। एक सरलतम सांगीतिक स्वरग्राम द्विटोनी स्वरग्राम है। इस स्वरग्राम में याद रखना है दोस्तों, इस स्वरग्राम में मुख्य स्वर एवं उसके अष्टक सहित 8 आवृत्तियां होती है। साधारणतः मुख्य स्वर की आवृत्तियां जो होती है 256 तथा उसके अष्टक की आवृत्तियां जो होती है दोस्तों 512 होती है। भारतीय संगीत पद्धति में 8 टोन उनकी आवृत्तियां हर्ट्ज इस प्रकार है। सा का कितना है दोस्तों, तो 256। रे का कितना है, 288। गा का कितना है, 320। मा का कितना है, तो 141 पूर्णांक 1/3। पा का कितना है, 384। धा का कितना है, तो 426 पूर्णांक 2/3। नी का कितना है, 480। और सा का कितना है दोस्तों, तो 512। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो याद रखना है रेडियो जो तरंगों की जो लंबाई होती है दोस्तों वो सर्वाधिक होती है यानी सबसे अधिक होती है। और यह VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, कभी भी ऐसे सवाल आपको BPSC में देखने को मिल सकते हैं कि किस तरंग, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक है, तो रेडियो तरंग की जो लंबाई है दोस्तों सर्वाधिक है। अब यहाँ पर दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ये फैक्ट आपको रट जाना है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में अवरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे ज्यादा किसका तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों, तो रेडियो तरंग का, उसके बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद होता है अवरक्त विकिरण का, उसके बाद होता है दृश्य प्रकाश का, परावैगनिक विकिरण का, एक्सरे किरणें का, और सबसे कम किसका होता है दोस्तों तरंग दैर्ध्य, गामा किरणें का। तो आपको याद रखना है कि जिसका
तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसमें किसका होगा तो गामा किरण का हो जाएगा, और सबसे कम आवृत्ति किसका हो जाएगा तो रेडियो तरंग का हो जाएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। स्पष्ट है कि रेडियो तरंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक तथा गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है दोस्तों, और ये सब के सब वीवीआई पॉइंट्स है दोस्तों। एक सवाल और भी पूछता है कि दृश्य प्रकाश किन दो विकिरणों के बीच होता है, तो आपको याद रखना है कि दृश्य जो प्रकाश होता है दोस्तों परावैगनिक विकिरण और अवरक्त विकिरण के बीच होता है दृश्य प्रकाश दोस्तों। और ये सब के सब जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सब के सब वीवीआई पॉइंट्स है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि कौन सा है वो तरंगे, तो वो तरंगे है दोस्तों रेडियो तरंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? रेडियो तरंगे। आईएसपीडी में पूछा गया, तो बीपीएससी में भी पूछ सकता है। तो टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं, किंतु कुछ में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। अवरक्त एक विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो ये भी आपको याद रखना है कि इंफ्रा रेड जो रे है दोस्तों वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जो टीवी के रिमोट नियंत्रण में जो अधिकांश में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों किस विकिरण का? तो अवरक्त विकिरण का, लेकिन कभी कभी रेडियो तरंगों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, और ये सब के सब वीवीआई पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों? तो अवरक्त किरणें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सामान्यतः टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक्त तरंगे होती हैं। उल्लेखनीय है कि रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविजन को ऑन और एवं ऑफ करने में ही नहीं बल्कि चैनल, आवाज की तीव्रता एवं चित्र की गुणवत्ता आदि को भी नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त जो किरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सेमी क्वेश्चन है, कौन सा है दोस्तों? तो अवरक्त किरण है। और ये देखिए दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो बीपीएससी में भी इसका पूछने की संभावना है, इसे आप कवर करके ही जाए। नेक्स्ट, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग का विकिरण का प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग में लाया जाता है? तो अवरक्त जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है दोस्तों उसको प्रयोग में लाया जाता है। और देखिए कितना बार ये सवाल पूछा गया है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। दृश्य तुरंत प्रारंभ होता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। हाँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों कि दृश्य तुरंत आरंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। इसका रीजन यही हो जाएगा क्योंकि जो ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा। तो सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दे रहा है, मिस्टेक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दे रहा है दोस्तों कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है दोस्तों, याद रखना है। सॉरी, मिस्टेक हो गया मुझसे, तो इसके लिए सॉरी आपको। तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है दोस्तों। अब रीजन देखते हैं क्या दिया गया है। मुझे लगा था कि ध्वनि का वेग जो होता है प्रकाश के वेग से कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग के चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविजन में ऑडियो, देखिए दोस्तों यहाँ रीजन जो मैंने बताया था सही है, लेकिन टेलीविजन में एक लगा होता है कौन सा? तो ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है दोस्तों, ताकि दोनों टीवी और आवाज दोनों एक साथ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो आयाम मॉडुलन द्वारा जो होता है दोस्तों दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉडुलन तथा चित्र संदेशन संचरण के लिए आयाम मॉडुलन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉडुलन का तथा चित्र संचलन के लिए किस कौन से मॉडुलन का प्रयोग होता है? तो आयाम मॉडुलन का प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है आवृत्ति आरोपण।
नेक्स्ट है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है तो कितना है दोस्तों, तो 10 मेगाहर्ट्ज है। यह बताया गया है 10 मेगाहर्ट्ज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण से रिलेटेड, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। कारण दिया गया कि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, तो इसका रीजन देखते हैं दोस्तों। तो इसका रीजन है डी, ए गलत है परंतु आर सही है, यानी रेडियो तरंगे चुंबकीय तरंग में बंकित हो जाती है, बात बिल्कुल गलत है। और कारण इसका दिया गया है कि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कथन गलत है और कारण सही, क्योंकि रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, अतः वे सामान्यतः चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों में अप्रभावित रहती है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों विद्युत धारा और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीढ़ी में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जलता है तो ₹5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो दोस्तों याद रखना है कि जब 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलेगा तो कितना यूनिट हो जाएगा दोस्तों, तो 100 × 10 हो जाएगा 1000 वाट, 1000 वाट आवर, और 1000 वाट आवर को हम लोग दोस्तों 1 किलो वाट कहते हैं, और 1 किलो जो वाट होता है दोस्तों 1 यूनिट के बराबर रहता है। तो 1 यूनिट का खर्च यहां पर कितना दिया गया है, ₹5 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे जलाने के लिए व्यय ऊर्जा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसको कहा जाता है, तो याद रखना 1 किलो वाट घंटा को जो है दोस्तों 1 यूनिट कहा जाता है, और ये 1 यूनिट का खर्च इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, तो ₹5। नेक्स्ट है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो याद रखना है 1 इकाई यानी 1 यूनिट होगा दोस्तों बिजली का खर्च। नेक्स्ट है, 1 किलो वाट घंटा का मान होता है, तो याद रखना है 1 किलो वाट घंटा का मान कितना होता है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 3.6 × 10⁶ जूल, और यहाँ पर दिया गया है 1 किलो वाट घंटा का मान कैसे निकाला गया यहाँ पर देखते हैं। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों, तो वाट घंटा है 1 किलो वाट घंटा है, तो ये हो जाएगा 1 किलो वाट और 1 किलो वाट × 1 आवर यानी 1000 जूल/सेकंड × 3600 सेकंड। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3.6 × 10⁶ जूल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी, तो कितना होगा दोस्तों, तो 0.4 हो जाएगा। 100 वाट का बल्ब है और इसको 4 घंटे तक किया गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 वाट आवर, और जब इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 1 यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.44 यूनिट यानी डी होगा दोस्तों, यह बताया गया है रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो याद रखना है बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों, तो यह वोल्टेज के मापन पर आधारित होता है। तो बिजली की खपत का जो बिल होता है दोस्तों किसके मापन पर आधारित होता है, तो वह वोल्टेज के मापन पे वाटेज सॉरी वोल्टेज मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वाटेज के मापन पर आधारित होता है दोस्तों, कि कितना वाट जो है बिजली का खपत हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ही होगा दोस्तों, और वह वोल्टेज पे नहीं मापा जाता, नहीं एम्पियर, नहीं ओम पे, बल्कि किस पर मापा जाता है, तो वाट पे मापा जाता है कि आपने कितना खपत किया वाटेज। तो बिजली का बिल किलो वाट पर आवर के मापन पर आधारित होता है, किलो वाट पर घंटा, एक घंटा में 100 वाट व्यय की गई विद्युत ऊर्जा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किए जाते हैं तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होंगे, तो कितना यूनिट बिजली खर्च होगा दोस्तों, प्रतिदिन जो है कि प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो कितना हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 यूनिट बराबर 60 हो गया, 60 × 30 × 5 / 100 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, तो 9 यूनिट जो होगा दोस्तों खर्च होगा। 60 वाट का बल्ब 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में के लिए क्या करेंगे, 60 × 5 × 30 / 100, तो कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 यूनिट। नेक्स्ट है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 वाट का बल्ब है और ये 5 बल्ब है और 20 घंटा जल रहा है तो कितना हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 × 10 यानी 100
1000 और 1000 1 यूनिट के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह 10 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि जो कम बल्ब जो जल रहा है दोस्तों उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और ऐसे ही सवाल बीपीएससी में बनते हैं दोस्तों, तो इस सब इन सब सभी सवालों को जो है दोस्तों आपको टिक आउट कर चलना है, यानी वीवीआई कर चलना है। तो याद रखना है, क्यों आए तो अधिक विद्युत ऊर्जा का क्षय करने वाले बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा, पावर बराबर होता है दोस्तों वोल्टेज इंटू करेंट, याद रखना है, और P बराबर होता है दोस्तों वी स्क्वायर डिवाइड बाई R, यानी P डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों 1/R। अतएव अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा और कम प्रकाश उत्पन्न करेगा दोस्तों। तो ये सब रीजन याद रखना है, ये सब फॉर्मूला भी याद रखना है दोस्तों, फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है कभी कभी। नेक्स्ट है, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है, धारा दिया गया है दोस्तों 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पावर बराबर क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज इंटू करेंट होता है। तो 220 वोल्ट है, तो यहाँ पर 220 इंटू 0.5 करेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 110 वाट कैलकुलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 110 वाट आएगा दोस्तों, ये बनाया गया है। नेक्स्ट है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है, तो 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो जब कोई दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में हो, R1 और R2 दोस्तों, तो उसका संयुक्त प्रतिरोध जब दोनों को कंबाइन करेंगे समानांतर श्रेणी में लगाएंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, R1 × R2 / R1 + R2। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 4.70 किलो ओम दोस्तों आ जाएगा दूसरे प्रतिरोध का मान। और ये 66 बीपीएससी प्री में पूछा गया है, तो आगे भी पूछ सकता है ऐसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा। तो उच्चतर अवरोधक किस में हो जाएगा दोस्तों, तो जो सबसे कम बल्ब जल रहा होगा यानी मंद रोशनी वाले बल्ब में सबसे ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अधिक ऊर्जा का क्षय करने वाले बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा दोस्तों। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में है, तो वह वास्तव में क्या है दोस्तों, तो याद रखना है कि वह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक है दोस्तों। तो डायनेमो क्या है, तो ऊर्जा का परिवर्तक होता है डायनेमो। तो डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है, आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनित्र या जनरेटर से होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराड के नियम के अनुसार दिष्ट धारा में रूपांतरित किया जाता है दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों डायनेमो से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, तो याद रखना है चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन कौन सी है दोस्तों, तो विद्युत मोटर जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और डायनेमो जो है दोस्तों वह भी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो मोटर है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, विद्युत मोटर क्या करता है विद्युत ऊर्जा को, विद्युत में विद्युत लगा हुआ है दोस्तों, तो याद रखना है कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और डायनेमो जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो क्या करता है दोस्तों, तो याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो याद रखना है कि यह क्या कैसे परिवर्तित करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, डायनेमो कार्य करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह बदलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो याद रखना है कि मैकेनिकल वे मैकेनिकल ऊर्जा, यानी मैकेनिकल को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है कि जब
वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तो याद रखना है उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, याद रखना है आपको। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब उष्मा की कोई हानि नहीं होती, यानी न उष्मा को बनाया जा सकता है न ही बिगाड़ा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो याद रखना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है दोस्तों, तो वो है विद्युत मोटर। देखते हैं इसमें ऑप्शन है या नहीं है, तो है दोस्तों इसमें विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इसका कार्य डायनेमो के विपरीत होता है, इसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है जिसे विभिन्न मशीनें चलाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर क्या है दोस्तों, तो याद रखना है कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो कौन सा है, तो बैटरी जो है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बैटरी कई प्रकार के होते हैं किंतु सभी में तीन मूल घटक उपस्थित रहते हैं, वे कौन कहे, धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत कोष यानी बैटरियां रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर इसे विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों जल जाता है दोस्तों, इसका रीजन क्या है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति प्रतिलोमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, इस कारण विद्युत मोटर जो है दोस्तों कम वोल्टेज पर जल जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछ सकता है। तो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं दोस्तों जो वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, फैराड स्थिरांक है, तो याद रखना है कि फैराड जो स्थिरांक है दोस्तों वह कैसा है, तो सार्वभौमिक स्थिरांक है फैराड स्थिरांक, और 66 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो फैराड स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, भौतिक और रसायन विज्ञान में एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराड स्थिरांक कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो कैपिटल एफ होता है। सन्निकट गणना के लिए एक फैराड का मान कितना होता है दोस्तों, तो याद रखना है 96,500 सी पर मोल होता है दोस्तों, कैपेसिटर पर मोल होता है दोस्तों। दोस्तों ये जो सीरीज है केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं है, जितने भी आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं अगर आप इस सीरीज को अगर कवर कर चले जाते हैं तो यकीन मानिए कि इससे जो क्वेश्चन है बाहर नहीं आएगा, इसी सीरीज से आएगा। ठीक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और उस एक्स्ट्रा पढ़ कर अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस सीरीज से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो ये केवल बीपीएससी को फोकस करके ही नहीं बनाया गया है, जितने भी स्टेट पीसीएस तथा आईएसपीडी में पूछे मतलब सवाल पूछे जाते हैं उनको भी फोकस करके ये बनाया गया है। तो ऐसा नहीं समझे कि केवल ये बीपीएससी स्पेशल के, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, झारखंड पीसीएस का एग्जाम देते हैं, तो ये वीडियो सब एग्जाम जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, इनफैक्ट एसएससी और रेलवे का भी जो एग्जाम होता है उसके लिए भी यह जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम जो है निकट है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बीपीएससी के लिए इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी में जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन को देखकर यह अंदाज़ा भी लग गया होगा, मैंने इतने वीडियो बनाए हैं घटना चक्र के, उन क्वेश्चनों को देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर घटना चक्र को कवर कर लिया जाए तो अच्छा खासा जो क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा जाता है उसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, प्रयुक्त विद्युत अपघट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इलेक्ट्रोड सीमा और ताम्र होता है, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। आईएसपीडी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, तो यानी इसमें दिया गया केवल एक और चार ही सही है, यानी इसकी जो वोल्टता होती है दोस्तों, याद रखना है इसकी जो वोल्टता होती है, सॉरी सॉरी दोस्तों बीच में आप आ गया था। तो मोटर बैटरी के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो वोल्टता सामान्यता होती है 12 वोल्ट होती है, और चौथा है दोस्तों धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं दोस्तों, बाकी दोनों जो ऑप्शन है 2 और 3 वह बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टता सामान्यता 12 वोल्ट होती है तथा धारिता को एम्पियर घंटा में मापते हैं, प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में
याद रखना है कितना परसेंट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यानी H2SO4 रहता है तो 35% होता है, जबकि 65% क्या होता है दोस्तों तो H2O होता है। कार बैटरी का कैथोड लेड ऑक्साइड, याद रखना है दोस्तों कि जो कार बैटरी का कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड का तथा एनोड जो है लेड का होता है दोस्तों, और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों जिसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, तो याद रखना है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो कैलकुलेटर उपकरण में होता है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और ट्रांजिस्टर में होता है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग। तो निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों, जबकि पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारीय प्रकृति का है विद्युत अवघट यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका उपयोग कैलकुलेटर कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ट्रांजिस्टर में सभी में होता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है, तो कौन सी है दोस्तों, तो रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन नामक धातु याद रखना है दोस्तों का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज टॉर्बन बर्गमैन ने कब की थी दोस्तों, तो 1781 ईस्वी में की थी। इसका जो गलनांक है कितना है, तो 3422 डिग्री सेल्सियस है तथा क्वथनांक कितना है दोस्तों, तो 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है, गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्ति कहलाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है विद्युत बल्ब दोस्तों, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो वह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। नेक्स्ट है विद्युत के बल्ब का तंतु बना होता है, तो किसका बना होता है दोस्तों, तो टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि, क्या रीजन है, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, दूसरा है बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, तो इसका रीजन क्या दिया गया है, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। और ऐसे सवाल आजकल BPSC में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, 67 जो BPSC दिए होंगे देखे होंगे कि ऐसे ही सवाल बन रहे हैं आजकल, तो इसका जो रीजन दिया गया दोस्तों क्या है, तो फिलामेंट का जो तार एक समान नहीं होता ये रीजन दिया गया सही है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता ये भी सही है, और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि, पहला फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, दूसरा बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता तथा फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जलते हुए विद्युत बल्ब के तनु का ताप सामान्यतः होता है, तो कितना होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिया गया है दोस्तों क्या दिया गया है, सी है, यानी 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप दोस्तों। तो विद्युत बल्ब याद रखना है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु लगा होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। साधारणतः बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है, तो कथन और कारण दोनों, कथन भी सही है और कारण इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है दोस्तों। तो तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है दोस्तों। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है, इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर उसे तार को नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है दोस्तों। ये आकाशीय विद्युत से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से यह बचाता है दोस्तों, तो ये रीजन दिया गया है। नेक्स्ट है तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, किस क्रम में जोड़ना चाहिए दोस्तों, तो इसको जोड़ना चाहिए आधार सिरे से जोड़ना चाहिए दोस्तों, सबसे लंबी पिन को यानी अर्थ से जोड़ना चाहिए। तो तीन पिन प्लग में सजीव या फेज लीब फेज जिसको कहा जाता है, उदासीन न्यूट्रल एवं आधार सिरे होते हैं, दोनों एक साथ रहने वाले सिरे में फेज एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं, तीसरी एवं लंबी पिन में अर्थ को जोड़ा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है ये सब VVI पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग है, तो क्या है दोस्तों,
खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण तीन फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए फ्यूज के रूप में, तो इसका रीजन क्या दिया गया देख लेते हैं। तो इसका रीजन है दोस्तों सी, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है अर्थ को। तो याद रखना है दोस्तों, विद्युत उपकरण में तीन पिने होते हैं, ऊपरी वाली पिन कुछ मोटी तथा निचली दो पिने एक जैसी होती है। मोटी वाली पिन का संबंध पृथ्वी यानी अर्थ से होता है, जबकि शेष दो पिने सामान्यतः दाएं वाले का संबंध जीवित कनेक्शन से तथा बाएं वाले का संबंध उदासीन कनेक्शन से होता है। अर्थ का कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि उपकरण जीवित परिपथ यानी लाइव सर्किट से संबंध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ सके, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके। तो इसका रीजन क्या दिया गया था दोस्तों, तो इसका रीजन आंसर जो है सी दिया गया था, यानी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वे हो तो वे कैसी हो दोस्तों, तो समान विभव पर हैं दोस्तों। अगर वे समान विभव पर हैं तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी दोस्तों। तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हों, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव तथा धारा के समानुपाती होता है दोस्तों। V इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, IR होता है, यानी ये जो विभव होता है करंट के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है, और रेजिस्टेंस के भी। अतः यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, तो चांदी है। तो जिन पदार्थों की, याद रखना है, जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है, इसके बाद तांबा का, उसके बाद एल्युमिनियम का, लोहे की विद्युत चालकता भी होती है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो कौन सा है दोस्तों, तो चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो चांदी जो है विद्युत का जो है दोस्तों अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन विद्युत पर्याद में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है, फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। मेन स्विच से यह समानांतर जुड़ा होता है, यह मुख्य रूप से रजत मिश्र से बना होता है, इसका गलनांक निम्न होता है, इससे इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो दोस्तों फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, इसका गलनांक निम्न होना चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो प्रतिरोध ऊंच होना चाहिए और गलनांक इसका क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो याद रखना, फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है। इलेक्ट्रिक सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से एक विशेष उपयोगी होता है, यह विद्युत का उष्मीय प्रभाव है दोस्तों। नेक्स्ट है, फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो याद रखना है कि विद्युत का उष्मीय प्रभाव जो है दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत है। याद रखना है फ्यूज के बारे में कि इसका जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वह ऊंच होता है, जबकि गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है, तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका ऊंच प्रतिरोध होगा और निम्न गलनांक होगा। तो अभी मैंने बताया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक जो होता है निम्न होता है और प्रतिरोध ऊंच होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए दोस्तों। नेक्स्ट है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका जो होता है दोस्तों क्या होना चाहिए, तो गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है, तो किसका मिश्र धातु होता है दोस्तों, तो याद रखना है कि हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है वो टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है, हैलोजन लैंप का तंतु। तो हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है दोस्तों टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तनु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से रिलेटेड, कि एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब इसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण दिया गया है कि धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन हो जाता है। तो इसका क्या है दोस्तों, तो आंसर इसका दिया गया है ए सही है, परंतु आर गलत है, यानी कथन सही है कारण जबकि गलत है। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब इसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है।
यह बात बिल्कुल सही है। कारण है इसका दोस्तों कि धातु अणु के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन हो जाता है, यह बिल्कुल गलत है। आप देखते हैं रीजन क्या दिया गया है इसका। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। इस प्रक्रिया में ये अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं, इससे चालक का ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार कथन जो है ए सही है जबकि आर गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलता है, तो याद रखना है कि यह किस क्रम में होता है दोस्तों, तो समानांतर संबंधन में होता है घरेलू विद्युत तार दोस्तों, श्रेणी संबंधन में नहीं होता बल्कि किस में होता है, समानांतर क्रम में होता है दोस्तों। और यह वीवीआई पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो यह प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संबंध होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः इस समायोजन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, तो याद रखना है कि यह कौन सा तार है दोस्तों, तो यह विद्युत उदासीन तार होता है दोस्तों, काले रंग का तार। तो विद्युत घरेलू विद्युत सप्लाई हेतु उपयोग में आने वाले तारों का भ्रम की स्थिति से बचने के लिए तीन रंगों में विभक्त किया गया। लाल रंग का जो तार है दोस्तों वह क्या है, सजीव होता है, या काले रंग का जो तार होता है दोस्तों वह उदासीन होता है, और हरे रंग का जो तार होता है दोस्तों अर्थ को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, तो कितना है दोस्तों, तो 10⁴ ओम है, एनसीईआरटी में 10⁶ ओम भी दिया रहता है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि जो है दोस्तों सामान्यतः 10⁴ ओम होती है, हालांकि विशेष परिस्थिति में यह 10⁵ ओम या इससे भी अधिक हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो याद रखना है सामान्यतः जो ट्यूबलाइट में जो गैसें भरी होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर मिलाया जाता है, यानी अक्रिय गैसों के साथ मरकरी वेपर को मिलाया जाता है दोस्तों सामान्यतः ट्यूबलाइट में। तो ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है, तो ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है कि ट्यूबलाइट की जो दीवारों पर कौन सा लेप चढ़ा होता है, तो फास्फोरस का लेप उस पर चढ़ा होता है दोस्तों। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस आर्गन को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है CFL का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखना है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहा जाता है CFL को दोस्तों, इसका पूर्ण नाम क्या है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। नेक्स्ट है कथन लाइट इमेटिंग डायोड यानी LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। कथन फिर दोस्तों इसका कथन लाइट इमेटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष है, तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो दोनों होना चाहिए, तो ए है दोस्तों बिल्कुल सही, दोनों है परफेक्ट इसका आंसर। यानी जो LED बल्ब होता है दोस्तों वह CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, और LED बल्ब जो होता है दोस्तों वह CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो LED अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप में मुख्य प्रकाश उत्पादन घटक कौन है दोस्तों, तो गैलियम आर्सेनाइड होता है। यदि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, यही जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, इसका जीवन काल CFL की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि LED लैंप में CFL की तुलना में ऊर्जा की खपत कम होती है दोस्तों। नेक्स्ट है कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड ऑर्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड जिसको OLED का के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है, तो LED प्रदर्श नम्न प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरंचित किए जा सकते हैं, काफ़ी अजीब नाम है। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतःस्थापित उपरिवेलनीय प्रदर्श यानी रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। LED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है, तो इसका आंसर ही देख लिया जाए, तो ये तीनों के तीनों सही है दोस्तों। अब देखते हैं रीजन क्या दिया गया है।
तो कार्बनिक उत्सर्जन डायोड, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी ओएलईडी एक प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, यानी एलईडी होता है, जिसमें कार्बनिक यौगिक की विद्युत प्रदीप्ति यानी इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट उत्सर्जक परक होती है जो विद्युत प्रवाह के समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ओएलईडी डिस्प्ले लचीले प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरंचित किए जा सकते हैं। अतः कथन एक सत्य है, ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं, यह भी बात सही है। साथ ही ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी डिस्प्ले का निर्माण भी संभव है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखना है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, तो मरकरी और नियॉन गैस भरी जाती है इसमें, और यह VBI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन जीनोन और नियॉन गैस भरी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, क्यों दिया जाता है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना है रीजन क्या है इसका, तो डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर दिया गया दोस्तों। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। 100 वाट का बिजली का बल्ब केवल 5% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु फ्लोरोसेंट ट्यूब लगभग 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं दोस्तों, तो अणुओं को दोलित कर श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। तो ट्यूबलाइट में विद्युत का प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। चूंकि मनुष्य की आंख इस विकिरण को देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए शीशे की ट्यूब को एक प्रदीप्ति पदार्थ से लेपित किया जाता है जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो याद रखना है कि उपयुक्त में से कोई भी गैस नहीं होती विद्युत बल्ब के अंदर। अब देखते हैं, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय इसमें नाइट्रोजन आर्गन गैस भर दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें से तो नाइट्रोजन आर्गन गैस नहीं दिया था, तो इसलिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, उपयुक्त में से कौन नहीं। और अगर गैसे अगर यहाँ पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस होता दोस्तों, तो उसी पर हम लोग टिकआउट करते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ चौक आसंजित होता है, चौक कुंडली का होता है, तो लाइन वोल्टा बढ़ाती है, लाइन वोल्टता घटाती है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। तो लाइन में क्या करेगा दोस्तों, तो याद रखना है कि यह लाइन में वोल्टता को बढ़ाता है चौक दोस्तों। तो प्रदीप्ति नलिकाओं यानी ट्यूबलाइट में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है जो धारा को बढ़ाकर चौक को प्रेषित करता है। चौक कुंडलित प्रेषित धारा की वोल्टता को बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करता है जिससे ट्यूबलाइट जल जाती है। इसके पश्चात स्टार्टर का कार्य समाप्त हो जाता है तथा चौक उच्च वोल्टता को कम वोल्टता को उच्च करने का कार्य करता है तथा ट्यूबलाइट को खराब होने से रोकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है। रीजन दिया गया है, पहला कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करते हैं जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है, यह बात बिल्कुल गलत, दो तो गलत हो गया दोस्तों, LED का ज़्यादा था, तो दो जिसमें हो जाएगा वो छट जाएगा, यानी बी और डी तो छट गया। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, तो LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, यह तीन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों तीन तो का, यानी सी हो जाएगा। तो CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में पारा वाष्प से विद्युत गुजार कर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है जिसे लैंप के अंदर फॉस्फोर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। CFL का औसत कार्यकाल जो होता है दोस्तों 6000 से 15000 घंटे तक होता है, जबकि LED का लैंप कितना समानता चलता है दोस्तों, तो 25 से 30 वर्षों तक चल सकता है। LED लैंप में पारंपरिक अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोड ऑर्गेनिक LED या पॉलीमर LED तकनीक का प्रयोग होता है। CFL की तुलना में LED लैंप अधिक ऊर्जा सक्षम है, पारंपरिक प्रकाश बल्बों की तुलना में LED 82% कम ऊर्जा की खपत करते हैं जबकि प्रकाश बल्बों की तुलना में CFL 75% कम ऊर्जा की खपत करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों CFL और LED से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर
प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा 4 गुना। और ऐसे सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ रीजन दिया हुआ है तो पावर इक्वल टू क्या होता है, टू वी इंटू यानी वी इंटू आई होता है, यानी शक्ति इक्वल टू विद्युत शक्ति बराबर होता है दोस्तों विभवांतर इंटू विद्युत धारा। दो तार की लंबाई व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है, अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 10 ओम होगा। यहाँ पर रीजन बताया गया है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है दोस्तों, जहाँ R क्या है प्रतिरोध है, रो क्या है तो प्रतिरोधकता है, एल क्या है लंबाई है, ए क्या है क्षेत्रफल है। अब प्रथम तार में देखें तो दोस्तों प्रथम तार का हमने मान लिया कि रो क्या है 1 पी है, लंबाई इसका 1 हो जाएगा, आर रेडियस इसका जो हो जाएगा आर हो जाएगा, दूसरे तार का जो रो हो जाएगा वो टीपी हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है कि 1:2 में ये सब। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका भी आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, तो 10 आता है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। कथन दिया गया, परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो परिणामित्र का तो पहले अर्थ जानना पड़ेगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए सही है परंतु आर गलत है। यानी परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा यानी दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है दोस्तों, सॉरी यानी परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है, यह बात सही है। और परिणामित्र ऐसी युक्ति जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा यानी दिष्ट धारा में किया जाता है दोस्तों, तो यह बात बिल्कुल गलत है। अब रीजन देते हैं तो यानी ट्रांसफार्मर के परिणामित्र, बहरा जी नाम है ट्रांसफार्मर का परिणामित्र, ट्रांसफार्मर किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। इसके द्वारा कम वोल्टता की विद्युत शक्ति को अधिक या अधिक वोल्टता की विद्युत शक्ति को कम वोल्टता पर क्या किया जाता है दोस्तों, तो परिवर्तित कर दूर दूर तक पारेषित किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है। याद रखना है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है दोस्तों यानी अल्टरनेटिंग जो करेंट है के साथ कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा यानी जो डायरेक्ट करंट होता है के साथ नहीं काम करता है ट्रांसफार्मर। तो समान प्रकार की नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रकार की छोटी बूंदे भी वोल्ट एक आवेशित की गई है, भी वोल्ट तक आवेशित की गई है, यदि एन बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव होगा, तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका विभव हो जाएगा एन पे पावर 2/3 इंटू भी। अब यहाँ पर बताया गया दोस्तों कैसे बना है, तो ये आप देख लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूं। तो ट्रांसफार्मर युक्ति होती है प्रयुक्त होते हैं, तो याद रखना है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसको, तो एसी वोल्टेज का अपचयन और उपचयन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करेंट विभव को ऊंचाई यानी अपचाई करने के लिए करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल और द्वितीयक यानी सेकेंडरी कॉइल। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है जिससे द्वितीय कुंडली में विभव प्रवृत्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है, तो याद रखना है दोस्तों किस उद्देश्य से होता है, तो प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है, तो याद रखना है दोस्तों एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है, तो यह है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक परिवर्तक होता है दोस्तों, यही दोनों में मूल अंतर है दोस्तों। तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगे होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में क्या होता है दोस्तों सर्पी वलय होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है, तो याद रखना है कि मोबाइल चार्जर क्या होता है, तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों मोबाइल चार्जर, और यह VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। दैनिक जीवन से रिलेटेड ये सवाल पूछ दिया गया है कि मोबाइल फोन चार्जर में अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कुछ युक्तियां
एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से क्या करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल मोटर जो है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, यह भी बात सही है। डीजल इंजन जो है दोस्तों प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सोलर सेल जो है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दिया एक और दो ही है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और विद्युत मोटर विद्युत से यांत्रिक, यह भी बात सही है। जबकि डीजल इंजन जो है दोस्तों प्रकाश से विद्युत में नहीं चेंज करता है। और सोलर सेल जो है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ना कि यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा दिया गया। सोलर जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक और दो होना चाहिए। तो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, सोलर से फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, फोटोवोल्टिक से यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डीजल इंजन ईंधन जो है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो स्टोरेज बैटरी के लिए जो है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके लिए, स्टोरेज बैटरी के लिए अल्टरनेटिंग करंट जो है दोस्तों वह जरूरी नहीं है। इसके लिए जो डायरेक्ट करंट होता है दोस्तों वह जरूरी होता है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम क्या है दोस्तों, एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति कौन सी है दोस्तों, तो वह है कौन सी, तो रेक्टिफायर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है दोस्तों। इन्वर्टर क्या है, एक वैद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो यह प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट पावर ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति उन उपकरणों तक करता है जो अलग अलग वोल्टेज का उपयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रांसमीटर क्या है, तो ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। यह मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है अभिकथन, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती हैं। भारत में विद्युत प्रणालियां 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती हैं। इसका रीजन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि ए सही है परंतु आर गलत है। अब देखते हैं क्या रीजन है। तो पावर ग्रिड के सामान्य संचालन के लिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित है। इसमें 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान है, इससे कम या ज़्यादा होने पर ग्रिड फेल हो जाता है दोस्तों। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा था। सबसे ज़्यादा विद्युत खपत किस में हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है इलेक्ट्रिक जो केटली हो जाएगा दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत खपत हो जाएगा। उससे कम विद्युत प्रेस में, उससे कम टेलीविजन में, और सबसे कम किस में हो जाएगा दोस्तों, तो पंखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी। तो विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं द्वारा प्रत्येक उपकरण को एक पावर रेटिंग निर्धारित की जाती है जो उस उपकरण द्वारा खपत की जा सकने वाली अधिकतम ऊर्जा को निर्दिष्ट करती है। प्रसंगत विकल्पों में विद्युत उपकरण की पावर रेटिंग के अनुसार विद्युत ऊर्जा के खपत के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित कर रहा है पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और केटली। और दोस्तों आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, तो याद रखना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है दोस्तों, तो भूकोण में जो है दोस्तों, यानी भूकोण में जो है दोस्तों के अंदर की चक्रक धाराएं जो है दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। तो भूकोण के अंदर की चक्रक धाराएं जो है दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। और ये हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है। तो भूकोण के अंदर की चक्रक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।